कैंप के बाद अब खुर्सीपार क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उल्टी दस्त से पीड़ित लोगों का अस्पतालों में इलाज भी जारी है। कुछ अस्पतालों में भर्ती रहकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मितानिनों द्वारा साफ पानी पीने को लेकर क्षेत्र में जागरूकता अभियान लगातार चलाया भी जा रहा है। शहर में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैंप क्षेत्र के बाद अब कुर्सीपार के वार्ड 51 चंद्रमा चौक में अनेकों लोग उल्टी दस्त से पीड़ित मिले हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। वहीं उल्टी दस्त से पीड़ित अस्पतालों में भर्ती कुछ मरीज डिस्चार्ज होकर वापस घर लौट चुके हैं। क्षेत्र में पानी टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करी जा रही है। वहीं मितानिनों द्वारा क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से साफ पानी पीने की अपील की जा रही है। साथ में क्लोरीन टैबलेट और अन्य दवाइयों का घर घर वितरण किया जा रहा है। स्थानीय एक रहवासी और 4 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहकर वापस घर लौटी एक महिला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। खाने पीने से तो कुछ नहीं हुआ था। यहाँ सुबेला गई थी भिलाई का, उसके बाद दुरुप में गई। एडमिट हुआ था 4 दिन, रविवार को गए, उसके बुधवार को शाम को आए। दुरुप का सरकारी, कोई बाहर का नल लगा था उसी का। उल्टी दस्त का बना ये, मतलब सप्ताह भर हो गया। हाँ, 3 आदमी एडमिट थे उसके यहाँ। उसके यहाँ वाला आ गया क्या? उसके यहाँ अभी भी है? आ गया, एक एक हफ्ते एडमिट था। उसके एक बड़ा घर वाला भी भाई एडमिट था, और सभी को उल्टी दस्त का पहुँचा गया। घर घर जागरूकता अभियान चला रही मितानिन ने अभियान की जानकारी दी। उल्टी दस्त का केस मिल रहा है, इसमें हम लोग घूम रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं घर घर में। अब पानी वानी जांच के लिए ले गए हैं। डायरिया है कि क्या है वो तो हम उन्हीं लोग बताएंगे। हम लोग उल्टी दस्त हो रहा है करके उसके रुकाव के लिए दवाई दे रहे हैं। 10 से 12 लोग मिले हैं, उपचार के लिए भेज रहे हैं, और जो ऐसे नॉर्मली है उनको हम लोग खुद दवाई दे रहे हैं। बहरहाल डायरिया का प्रकोप और फैले इसके पूर्व इसकी रोकथाम को लेकर सघन अभियान चलाए जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि कैंप क्षेत्र में डायरिया फैलने के बाद इसके कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। इसमें MIC मेंबर और निगम के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। जांच टीम को 10 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है। अगर समय रहते सावधानी बरती जाती तो खुर्सीपार में डायरिया के प्रकोप को फैलने से रोका जा सकता था। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।